मैं तेरे भजन में संतुष्ट हूँ, अगले जीवन में तेरा मैं बेटा बन करके आऊंगा। वही प्रश्नी और सुतपा ये कृष्णा अवतार में देवकी और वसुदेव बन करके आए और भगवान उनकी बेटा बन करके आते हैं। कहते ये भी ये एक कारण है। कहते उसका जो सप्तम कारण बताए, कहते द्रोण और धारा है। कहते ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गया, बोले बर्मा गो, बोले हे प्रभु हम दोनों चाहते हैं जैसे स्वाभाविक रूप में एक बालक माँ की पेट से जन्म लेता है, आप मेरे पेट से जन्म लेना। जैसे एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पल्ला में झुलाती है, अंगुल पकड़ करके उसको ठुमक ठुमक करके चलाना सिखाती है, मैं चाहता हूँ मेरे आप बेटा बन करके आओ, मैं आपका जन्म दो दूध पिलाऊं। बोले कोई बात नहीं, अगली जीवन में मैं आ जाऊंगा। कहते वही दोनों कृष्णा अवतार में ये द्रोण और जो धरा थे ये नंदा और जसोदा बन करके आए। कृष्णा तो मथुरा में प्रकट होते हैं, लेकिन उनको पल्ले में झुलाती कौन है? कौन झुलाती है उनको? नंद और जसोदा। इसलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। इसलिए उनको पल्ले में नंद जसोदा ही झुलाए। कभी ये भी एक कारण है। उसका आठवां कारण बताए, जगत में प्रभु क्यों आए? आप लोग रामायण सुने होंगे, रामायण सुने कि नहीं सुने होंगे? जिस समय एक धोबी धोबी थी, धोबी नहीं, वो गई थी अपना पीहर। जब पीहर से वापस आ रही थी, उसको बीच में एक नदी पार करना पड़ता था। अभी जब वापस आई, हो गया शाम और रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी। जो केवट ने कहा देखो रात को मैं नदी पार नहीं करा सकता। अभी उसको मजबूरी में एक रात उसको केवट के घर में रुकना पड़ा। जब दूसरे दिन वो आई, पति ने पूछा तो पिछले रात को कहाँ थी? बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले जहां पर तू वहीं पर चली जा, मैं राम नहीं हूं। कहा रावण सीता को उठा करके ले गया। एक साल के बाद में सीता आई तो राम ने उनको बराबर आसन दे दिया, मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। किंतु ये धोबी को पता नहीं था, रावण जो सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो थी छाया सीता है। रावण आने से पहले राम को पता चल गया था। भगवान राम सीते को बोले सीते जब तक मैं ये राक्षसों को ध्वंस नहीं कर देता हूं तब तक तुमको ये अग्नि की शरण में रहना पड़ेगा। मैं जब राक्षसों को मार डालूंगा फिर तेरे को मैं वापस ले लूंगा। इसलिए उन्होंने असली सीता उन्होंने अग्नि में रख दिया। और जो नकली सीता थी वो रावण जिस सीता को उठा करके ले गया वो नकली थी, वो सीता थी नहीं। क्योंकि सीता कौन है? ये जगदम्बा जगत जननी, ये माँ लक्ष्मी है। रावण तो एक राक्षस है, पर वो लक्ष्मी को कैसे स्पर्श कर सकता है? बोले स्पर्श की बात दूर हो, वो लक्ष्मी को देख भी नहीं सकता है, वो देखा भी नहीं लक्ष्मी को। लेकिन ये बात धोबी को तो पता ही नहीं। अभी क्या हुआ, प्रभु राम ने माता सीता को उन्होंने चिरकाल के लिए त्याग दिया। लेकिन भगवान राम हर साल एक यज्ञ करते थे, असुर यज्ञ। वशिष्ठ जी ने कहा देख राम, ये यज्ञ करने के लिए पत्नी के सिवाय तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो। तेरे पिता तो तीन तीन शादी किया ना, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तू और एक शादी कर ले। लेकिन राम ने कहा मैं जीवन में एक सीता के सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सीता पवित्र, सीता पवित्र थी। सीता बोले और कोई उपाय बताओ? बोले सोने की सीता बना करके तुम अपना बां पार्श्व में रख करके तुम यज्ञ कर सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। अभी प्रभु राम इस जगत में 11,000 साल राज्य की
हर साल एक एक यज्ञ किए। अभी एक एक सोने की सीता बनाई जाती थी और वशिष्ठ जी प्राण संचार करते थे। अभी बताओ ये 11,000 सीता सब गई थी, ये सबके सब कृष्ण अवतार में ये सबके सब गोपी बन करके आते हैं और भगवान इनकी सारी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। देखो ये कृष्णा ये ऐसे के देवता है, कृष्ण ये ऐसे के देवता है। दूसरे दूसरे अवतार में जिन जिन को कोई भी ग्रहण नहीं किया कृष्ण सबको किया है। इसलिए कृष्ण के लिए बताए, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपे सब गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कृष्ण कौन है? बोले दीन के बंधु है, दया की सागर है, करुणा की सिंधु है कृष्ण। आप किसी रूप में भी एक बार कृष्ण को शरण में आ जाओ, कृष्ण सबका स्वीकार कर लेते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्हैया एक कारण है कृष्ण इस जगत में क्यों आए हैं, इसका नवमा कारण बताए। जब भगवान राम पंचवटी में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग हजार हजार सालों से गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे, भजन तक कर रहे ऋषि लोग, लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं थी, भजन में कोई आग्रह नहीं थी। हाँ कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु राम पहुंचे, राम तो वही श्याम, श्याम ही वही राम है। अभी राम रूप देख कर उनको श्याम की याद आए। वो जो ऋषि लोग थे बोले प्रभु हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। प्रभु राम बोले इसी अवतार में एक सीता के सिवाय अब मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता। तुम सबके सब कृष्ण अवतार में क्या सब गोपी बन करके आओ, फिर तुम्हारी इच्छाओं को मैं उसी कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा। फिर वो जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे, हाँ बड़े बड़े हजार हजार सालों से जो तपस्या कर रहे थे, ये सब के सब गोपी बन करके आए। इसका मतलब है कि जो गोपियों को ना हम साधारण मत समझो, ये गोपियां कोई लड़की नहीं है, ये पूर्व पूर्व जन्म की वेद के ऋचाएं, वेद का मंत्र, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी कठोर तपस्या करके तभी कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके आते हैं। इसलिए कल सुनेंगे शंकर जैसे देव देव महादेव जो सत्यम शिवम सुंदर वो भी गोपी बन करके आते हैं प्रभु की रासों में। प्रभु की रासों में स्वयं शंकर जी आते हैं, जहां पर सारे देवता लोग बैठे होकर के भगवान की रासों में बड़े सुंदर वाद्य बजाते हैं। इसलिए ये गोपी कोई स्त्री नहीं। इसलिए गोपी का मतलब क्या है? बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, और पी पी मतलब होता है पीना, मतलब जो इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर भगवान कृष्ण प्रेम रस को जो पीती है ये गोपी है। इसलिए गोपी कोई स्त्री नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभा स्थावीर एव निज रूप कला तया बोले कृष्ण जब अकेले थे उनकी लीला करने की इच्छा हुई, बोले अकेले तो लीला नहीं कर सकता हूं, तब उनकी वाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई। बोले कहां से प्रकट हुई? बोले गोल वृंदावन कल्प वृक्षों के नीचे और रास मंडल से प्रकट हुई। इसलिए पहला अक्षर हो गया रा, लेकिन प्रकट हो करके कृष्ण सेवा करने के लिए सुंदर सुंदर फूलों को चयन करते हुए धावी, धावी तो मतलब होता है दौड़ना, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा और धावा। अभी कृष्ण एक से अभी दो हो, लेकिन उन्होंने देखा दो में भी जैसे फुटबॉल खेलते हैं,
क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, दो से बड़ी होता है, 11 प्लेयर उसमें लगता है, इसलिए उन्होंने देखा एक से दो हो गए, आनंद मिला लेकिन पूर्ण आनंद नहीं। फिर राधा रानी, राधा मतलब क्या है, कृष्ण को जो आराधना करनी है, वो आराधना से ये राधा शब्द बनी है। इसलिए राधा जी ने देखा ये दो स्वरूप में भी हाँ आनंद मिले, ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा। फिर राधा रानी एक एक भाव को ही उसने एक एक उन्हें रूप प्रदान किया, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी, एक एक भाव को राधा रानी एक एक रूप प्रदान करती है। इसलिए कृष्ण का नाम है आत्मा राम। आत्मा राम मतलब क्या है, जो अपना आत्मा में ही रमण करता है, वो और किसी का साथ में विहार नहीं करते। कोई कोई कहते हैं नारी कृष्ण क्या सब गोपियों को लेकर नाचना चाहते, कृष्ण किसी दूसरे को नहीं लिया, मेरे तरफ में देखो, अगर इसी हाथ से अगर इसी हाथ को पकड़ लिया कोई दोष है, कोई दोष है, अगर मैं अपना हाथों से अपना को पकड़ लिया कोई दोष है, कोई दोष नहीं। उसी तरह जो कृष्ण को दिखता है लीला कर रहे हैं, कृष्ण और किसी से लीला नहीं कर रहे हैं, कृष्ण अपनी आप में ही रमण कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है आत्माराम। और अब तक राम इनको बताया है, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कैसे जन्म लेते, बड़ी अच्छी कथा। कहते नंद बाबा का जो पिताजी का नाम था परजन बाबा, कहते उनको थे 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, ये 5 भाई थे। 5 भाई थे, भी धीरे 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 बच्चों को बड़ा बना दिए, बच्चों का शादी शुदा हो गई, घर में ठीक ठाक है, इसलिए श्री परजन बाबा देखा और घर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि 4 वर्ण और 4 आश्रम है। कहते 4 आश्रम में जो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहले हर व्यक्ति गुरुकुल में जाते पढ़ने के लिए। अब रामायण में देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे, भगवान राम भी वशिष्ठ, भगवान कृष्ण भी शांति बनी आश्रम में पढ़ने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। ये 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ते थे, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जब 25 साल खत्म हो जाता है, गुरु जी प्रश्न करते हैं, बोले बेटा अभी बताओ तुम क्या करोगे, अभी तुम्हारी क्या इच्छा है। लेकिन जिसको ये बात पता चलता था ये मानव शरीर ठाकुर जी बारंबार नहीं करेंगे, ये 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर एक बार ठाकुर जी देते हैं, जिनको ये बात पता चलता था और इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करके हम अपना मुक्ति मार्ग को देख सकते हैं। वो बोलते थे गुरु जी हम और ये घर गृहस्थ में जाना नहीं चाहते, आपकी चरण में रहते हुए भक्ति करते करते हम अपना मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। बोले बेटा यही बन रहा हूं। लेकिन जिसका हृदय में बहुत ही ज्यादा संसार की वासना रहता था, संसार के बगैर गृहस्थ के बगैर वो रह ही नहीं सकते हैं, गुरुदेव कहते थे बेटा तुम घर में जाओ, लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, तुम्हारी वर्ण और जाति के अनुरूप जहां पर तुम्हारी पिता माता तुम्हें शादी दे देंगे वहीं पर ही शादी करना। ये बड़े बच्चे पूछो, शादी के समय में कोई पत्नी को देखने के लिए कोई गया था, पत्नी बेटे को देखने के लिए कोई आया था, देखना कोई नहीं, पिता माता जहां पर उनको कुल मर्यादा का अनुसार वहीं पर शादी कर लेते थे। आप देखना जिंदगी भर आनंद से बीत जाते थे। लेकिन अभी देखो ऐसे नहीं,
कितने लंबा है, कितने लंबी है, कितने क्लास तक पढ़ी है, गूंगी नहीं तो फोटो देखेगा बोले ऐसे नहीं काली से गोरी तो बना नहीं दी। हाँ, इसलिए हम देखना चाहते हैं और उसके साथ में घूमना चाहता हूँ, मतलब कितने देख करके फिर शादी करते हैं, तब भी ये शादी नहीं टिकती। अब देखना तभी भी ये शादी तभी डाइवर्स हो जाते हैं, लेकिन ये पहले आप देखे होंगे डाइवर्स का नाम पहले था ही नहीं है? पहले ये चीज एकदम थी नहीं, पहले सारा जीवन है, सारा जीवन अगर थोड़ी सी कोई अनबन सी हो गया ना उसको है उसको मिटा लेते थे, तो मिटा लेते थे है थोड़ी सी अगर इधर उधर हो गया, लेकिन अभी अगर थोड़ी सी कुछ हो गया ना सीधा कोर्ट में जाते हैं है? इसलिए गुरु जी कहते थे बेटा तुम अभी कहाँ जाओ, अपना घर में वापस जाओ, जा करके अपना धर्म के अनुरूप वहां पर शादी करो, और शादी करते हुए बोले कितने दिन तक रहोगे घर में, कितने दिन तक गृहस्थ निभाओगे, बोले 50 साल तक। हाँ, 50 साल तक, उसको ऊपर में नहीं। इसलिए देखो 50 के बाद में जो अंक आता है ना एका बन, 50 के बाद में कौन सा अंक आता है, एका बन, बा बन, चौ बन, मतलब क्या बोले और घर में नहीं, अभी वृंदावन में जाओ भजन करने, 50 साल हो गया ना, इसलिए बोले इसलिए भागवत का श्लोक है बोले 50 बनम ब्रज, मतलब 50 साल के बाद में क्या रो वृंदावन जाओ और भगवान की भजन करो, पति पत्नी जाकर भजन करो ठाकुर जी की, क्योंकि ठाकुर जी ने जो मानव सर्व जन्म जिस काम के लिए ठाकुर जी गए हैं, जाकर के वृंदावन में दोनों सत्संग करो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो और मुक्ति के मार्ग को देखो। इसलिए एका बन, बा बन, चौ बन, इसलिए ये बन बन शब्द आता है, बोले घर में नहीं बन में जाओ भजन करो। हाँ, कहते अगर नहीं गए तो देखो अंक क्या कहता है, ये जो अंक है ना वो ऐसे नहीं आना, सट साठ, एक सठ, बासठ, सड़सठ, मतलब अगरबत्ती करने के लिए नहीं जाओगे पर सठिया बन जाओगे। बांस जब कच्चा होता है ना हम जिधर ठहर ना कर सकते, जब पक जाए फिर वो टेढ़ा नहीं, टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा, इसलिए अड़सठ साठ एक सठ, इसलिए सठ 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 बताया है, लेकिन उसको बाद में अंक आता है अनहत्तर सत्तर एकहत्तर, इसका मतलब क्या, गोस्वामी जी तुलसीदास रामचरित मानस में कहते हैं अगर तुम्हें भजन करने के लिए नहीं गए ना, अगर बुढ़ापा में भी अगर तुम्हें कहीं संतों की संग अगर मिल जाए तभी तुम तर सकते हो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले सठ सो धरे सत सा पाए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हाँ हमारा कल्याण हो सकता है अगर सचमुच से कोई साधु का संग मिल जाए, हाँ संत का संग मिल जाए हमारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो साधु संग है ना वो इतने बलवान है, इतने बलवान हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई,
इसलिए कहते हैं जब तक जीवन में साधु का संकल्पा नहीं होता है जीव का कल्याण नहीं होता है। इसलिए श्री परिजन बाबा ने देखा हमें 50 साल हो गया, हम पति पत्नी दोनों हम वृंदावन में भजन करने के लिए जाएंगे। एक दिन उन्होंने अपना बच्चों को 5 बच्चों को बुलाया, बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अभी हम दोनों 50 साल हो गया, हम चाहते हैं और ये माया ममता में नहीं पड़े, नहीं पढ़ करके वृंदावन में जाए और हम दोनों बाण प्रस्थ लेते हुए अपना मुक्ति मार्ग को हम देखें। बच्चों ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, अब जाओ और दोनों भजन कर लो। बोले मैं सबसे जो बड़ा बेटा को मैं राज सिंहासन में स्थापित करना चाहता हूँ। लेकिन ये बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, ये नंद में ये राजा बनने का योग्य है, अब इनको ही राज सिंहासन में बैठा दो, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, बात सही है। इसलिए उनका नाम नंद, नंद मतलब क्या है, सबको जो आनंद प्रदान करते हैं कहते उनका नाम श्री नंद है। तब श्री परिजन बाबा नंद बाबा को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा दिया और दोनों पति पत्नी अभी बाण प्रस्थ में जा रहे हैं। इतने में बच्चों ने कुछ प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी आप तो बाण प्रस्थ में जा रहे हो, हमारे कुछ प्रश्न का उत्तर दे करके जाओ। बोले पूछो क्या प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न की, बोले पिताजी जो मानव शरीर हमें भगवान ने दिए है ये जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्यों ये मानव शरीर प्राप्त हुई। बोले बच्चों ये मानव शरीर नहीं, कहती ये मुक्ति की दरवाजा है, क्योंकि 84 लक्ष जन्म में ये मानव के सिवाय कोई प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए मुक्ति केवल इसी मानव शरीर में मिलना है। ये मानव शरीर का जो लक्ष्य है बच्चों इसी जीवन में भगवत प्राप्ति, अगर ये मानव शरीर पा करके हमने भगवान को अगर प्राप्त कर लिया समझ बच्चों तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है। उनकी दूसरा प्रश्न है, बोले पिताजी आप बताओ ये जीवन में हमें रक्षा कौन करेगा। बोले बच्चों हमें जो रक्षा करने वाले शुद्ध जो साधु है वो हमें रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम सत्मार्ग को छोड़ करके किसी असत मार्ग में जाते हैं हमको रोकते हैं कौन, ये संत ही हमें सात उपद्रव से लेकर के गलत मार्ग में हमें जाने नहीं देते, यही लोग हमें रोकते हैं। ऐसे उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उनको प्रश्न की, उनने सारे प्रश्न की उत्तर दे करके दोनों पति पत्नी चले गए भजन करने के लिए। अभी 4 भाइयों का संतान है, केवल एक नंद जी का कोई संतान घर में नहीं। उन्होंने बड़े यज्ञ किया, तपस्या किया, उन्होंने तीर्थाटन की, घर में एक बेटा की जन्म हो जाए, एक बेटा घर में हो जाए, लेकिन घर में बेटा ही नहीं हुआ। एक दिन कुछ साधु लोग भ्रमण करते करते ये सबके सब श्री गोकुल में आए और नंद बाबा को बोले, बोले बाबा नंद कहते जो नाकर के लकड़ी कहते सो करे फकीर, इसका मतलब है लकड़ी मतलब होता है भाग्य, कहते तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं, फकीर मतलब होता है साधु, अगर कोई साधु की कृपा हो जाए जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। जब उन्होंने ये बात बताई, बोले भैया गंगा जब बहते बहते अपना घर को सामने आ गई फिर गोता क्यों नहीं लगा। बोले संतो जब कृपा करके गोकुल में आए हो कुछ दिन ये गोकुल में रुक जाओ और हमारी सेवाओं को ग्रहण करो। उन्होंने खूब संतों की सेवा कर रहे थे, ये साधुओं को पता चला नंद बाबा इसलिए हमारी इतने सेवा कर रहे हैं, उनके घर में कोई संतान नहीं, एक संतान की जन्म हो इसलिए वो इतना सेवा कर रहे हैं। एक दिन आपस आपस में चर्चा कर रहे थे
इतना दिन से नंद बाबा का रोटी पानी खा रहे हैं, अभी तक भी इनके घर में कोई बालक नहीं है। अभी अभी चर्चा कर रहे थे, एक ब्रजवासी ये बात को सुना और जा करके नंद को बोला, बोले नंद बाबा हमने सुना है ये साधु लोग चर्चा कर रहे थे तुम्हारे घर में लाला की कब जन्म होगा। बोले संत लोग चर्चा कर रहे थे। बोले हाँ। बोले भैया जो संत लोग कहते हैं मेरे घर में लाला की कब जन्म होगा, ये साधु का बात कभी झूठा नहीं था, मेरे घर में जरूर बेटा होगा ही, जरूर मेरे घर में बेटा होगा। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में नंदा और जसोदा ये दोनों ने बड़े सुंदर स्वप्न देखा। बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बालक स्थले पयोधार स्फुट मसौ क्रीड़ांगमयम लोके। अब देखना ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न होना, अब बिना करी करी वो स्वप्न सही हो जाती है। अभी दोनों का नींद खुल गई। नंद बाबा जसोदा को बोले जसोदे मैंने बड़ा एक सुंदर प्यारा स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा है, पहले आप अपना स्वप्न की बात बताओ फिर मैं अपना स्वप्न की बात में बताऊंगी। नंद बाबा बोले जसोदे मैंने देखा तेरी गोद में एक बड़ा सुंदर एक बालक दौड़ रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते समय इनकी दोनों धारों से दूध की धार बह रही थी और धार बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं, मेरे को ऐसे लगा मानो जैसे सचमुच से तुम्हारी गोद में कोई एक लाला है। जसोदा बोली आप मेरे स्वप्न सुनो। बोले बताओ। मैंने देखा एक सुंदर बालक वह श्याम रंग की मेरे पीछे 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 आ रहा है, वो कपड़ा खींचते हुए। बोले मैया मेरे को गोद मिले, मैया मेरे को दूध मिला, तो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई एक बालक है। और उसी रात को मैया की उम्र बीत गई थी, बच्चा होने का कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसी रात को ही माँ जसोदा गर्भ धारण करती और पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, नंद के घर में लाला होने वाले हैं। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना वो सबके सब चौरासी चौरासी गज के लहंगा बड़े सुंदर बना कर रखे, नंद के लाला होगा तो इसको पहन करके हम बधाई देने जाएगी। अभी उनकी एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो आ करके सारे घर का काम काज को ये सुनंदा संभाल रही थी। पहले कोई मशीन नहीं होता था, अभी तो मशीन चल गया, अरे बेटी हो मार डालो और बेटा हो तो रख लो, लेकिन पहले भी मशीन नहीं हुआ करता था। बड़ी बुरी माताएं कुछ चिन्हों को देख करके बोल देते थे गर्भ में बेटा होगा ना बेटी होगी। एक बड़ी बुरी गोपी ने बोली जसोदे लगता है तेरे गर्भ में एक बेटा होने वाला है। बोले कैसे पता चला? बोला तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, कच्चा लगे हैं और पीला दिखे तो इसका लगने गर्भ में बेटा आने वाला है। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली लगता है तुमने कुंवारी पड़े में जुड़मा केले तो नहीं खा ली। बोले क्यों? बोले लगता है तेरे गर्भ में दो बालक होने वाले, सचमुच से एक कृष्ण और एक जोगमाया। गर्भ में बचा हो माता हो चटपट चीज अच्छी लगती है। मैया जसोदा बोली मेरे मन में तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, बड़े सुंदर खीर बनवाए, काला रंग भोग लगाया और उनको खीर दिलवाया और लग रहा था मानो आज रात को ही घर में किसी बालक की आजाद में जन्म होने वाला है, भगवान कृष्ण आने वाले हैं। आप देखना ये जगत में कोई प्राइम मिनिस्टर तो कोई राष्ट्रपति आए ना उनके लिए कितने स्वागत होता है, लेकिन अभी कौन जन्म लेने वाले? विश्व ब्रह्मांड का मालिक जन्म लेने वाले। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले अतः सर्व काल पीत काल परम शोभन। भगवान आएंगे इसलिए सारे प्रकृति भगवान को स्वागत करने के लिए सारी प्रकृति सज गई। उस समय वृंदावन
वृंदावन इतने प्रसन्न धाम प्रसन्न हो रहा था, बोले वृंदावन धाम क्यों प्रसन्न हो रहा था, बोले हर अवतार में प्रभु मेरे ऊपर में कृपा की। रावण अवतार में ठाकुर जी पृथ्वी पर नाभ ली, बहा अवतार में पृथ्वी को उन्होंने उधार दी, और श्री रामा अवतार में राम अवतार में बोले भगवान मेरे ऊपर में कृपा की। कैसे बोले माता सीता जी, हम लोग बताओ तो माता सीता जी कहां से जन्म हुई, कौन बोलेगा माता सीता जी कहां जन्म हुई है, पृथ्वी से जन्म हुई है। और सीता के साथ में राम की शादी हुई, अब राम का सीता क्या लगी, राम के पृथ्वी क्या लगती है बताओ, राम की पृथ्वी आप बताओ ना, राम की पृथ्वी क्या लगती है, सासु लगती है, क्योंकि पृथ्वी से माँ सीता की जन्म हुई ना, इसलिए पृथ्वी सोच रही है मेरे को रामा अवतार में प्रभु ने मेरे किस अपना सासु बनाए, अभी कृष्णा अवतार में प्रभु आ रहे हैं मेरे ऊपर में कृपा करके, जो उनकी जो सत्य भामा जो रानी है वो पृथ्वी सो गए। और हर अवतार में भगवान ने पादुका पहने, लेकिन केवल कृष्ण अवतार में ठाकुर जी कोई जूती पादुका नहीं पहने, नंगे प्यार में उन्होंने वृंदावन में गैया चराए, इसलिए पृथ्वी इसलिए प्रसन्न हो रही थी भगवान मेरे को अपना चरण चिन्ह प्रदान करेंगे। वृंदावन आप लोग गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, गए हैं एक जगह पर गए, एक स्थान का नाम है चरण पहाड़ी, लगता है हम लोग नहीं गए। नंदगांव गए हो, नंदगांव का पीछे देखना एक पहाड़ है, जब कृष्णा जब वहीं पर गैया चराते थे, जब भगवान कृष्ण बंसुरी बजाए पूरा पत्थर पत्थर एकदम पिघल गया, अभी भी भगवान की सुंदर सुंदर चरण चिन्ह है। एक स्थान है सेसाई चरण पाल, कृष्ण की अभी भी इतने बड़े बड़े चरण पड़ा हुआ है, अभी भी पांच छह चरण अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है, गैया की चिन्ह पड़ा हुआ है वहां पर, अभी भी बड़े बड़े चरण चिन्ह है। और ये चरण पहाड़ी पहाड़ के ऊपर में, कभी अगर काम्य वन में आप जाओगे देखोगे, जैसे कृष्ण खड़े होकर बंसुरी बजाते हैं ना, उन्होंने बंसुरी बजाए तो अभी भी कृष्ण दोनों चरण चिन्ह इतने बड़े बड़े अभी वहां पर, इसलिए पृथ्वी प्रसन्न हो रही थी। इसी अवतार ठाकुर जी हैं बड़े सुंदर, ठाकुर जी गैया चराने जाएंगे बंसुरी बजाएंगे, और मैं भगवान का चरण को अपने स्थल में धारण करूंगी, इसलिए ये पृथ्वी प्रसन्न हो रही थी। बोले यमुना देवी बड़ी खुश हो रही थी, बोले क्यों, बोले कृष्ण अवतार में भगवान मुझे अपना पटरानी बनाएंगे, हैं मैं भगवान की पटरानी बनूंगी, इसलिए वो यमुना तट से कलकल नाद करते हुए वो निकल रही है प्रसन्न होकर के, और भगवान यमुना में जल भी करेंगे। बोले श्री यमुना और जितने सब नदियां थी वो भी बड़े खुश हो रही थी, बल्कि खुश हो रही थी, बल्कि यमुना है ये सबसे बड़ी बहन यही है, और जितने नदियां सब गंगा छोटी बहन लगती है, जब यमुना के साथ में कृष्ण शादी करेंगे फिर ये छोटी नदियां क्या बन जाएंगी, ये उनकी साली बन जाएगी। देखना कभी कभी दामाद पत्नी से भी साली को भी ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए और जितने नदी इसलिए खुश हो रही थी, जब हम भगवान की बांके बिहारी की साली बनेगी बांके बिहारी हमें भी प्रेम करेंगे। यदि ये कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन कमल फूल खिल गया रात, जितने भगवान का स्वरूप उन्होंने वर्णना करिए सबके सब कमल फूल को साथ मिलेंगे, हैं बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहि, सब कमल को साथ में, उनका नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, सब कमल कमल को साथ में उदाहरण देते हैं, इसलिए कमल फूल वो खिल
सीता है रात में लेकिन दिन लेकिन वो कमल फूल खिल गया रात में। सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे भगवान अभी जन्म लेने वाले हैं, लेकिन जब भगवान राम जन्म हुए भगवान राम ये सूर्य वंश में आए हैं। इसलिए राम जब जन्म हुए ना दिन दो बार में प्रभु राम जन्म हुए। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं एक महीना तक अयोध्या में उत्सव चले, एक महीना तक सारा दुनिया नाच रहे थे गा रहे थे, लेकिन चंद्रमा एक एक कोड़े में बैठ बैठ करके रो रहे थे। भगवान राम पूछे चंद्रमा देख रहे जन्म उत्सव में ये सब के सब नाच रहे गा रहे तो कोड़े में रो रहे क्यों? बोले प्रभु बताओ मैं कैसे नाचूं? बोले क्यों तू भी नाचना? बोले देखो ये सूरज एक महीना से एक जगह पर खड़ा हुआ और यहाँ से टस से मस नहीं हुआ है, जब तक सूरज नहीं जाएगा चंद्रमा कैसे आएगा? बोले प्रभु इसी अवतार में तो मैं वंचित हो गया हूँ। राम बोले चिंता मत करो, मैं जब दूसरा अवतार में आऊंगा ना तेरे वंश में आ जाऊंगा चंद्रमा में। बोले पता नहीं अभी कब द्वापर युग आएगा लेकिन तृतीया युग में तो वंचित हो गया। बोले चिंता मत करो मेरा नाम तो राम होगा लेकिन मेरे नाम से तेरे नाम को जोड़ूंगा, इसलिए सारा दुनिया मेरे को कहेंगे रामचंद्र प्रसन्न है। बोले प्रभु खुश हूँ। अभी भगवान कौन सा अवतार कौन सा वंश में आए? चंद्र वंश में कृष्ण आए। जब चंद्र वंश में आए उसी समय में कभी रिमझिम बारिश हो रही थी, आकाश में काला मेघ छाया हुआ था। अब मेघ होता है नीचे चंद्रमा होता है ऊपर, इतने में चंद्रमा मेरे सामने हट जा मेघ का भैया मेघ हटू। बोले तेरे को पता नहीं तो मेरे बंसे में आए मेघ ने क्या तेरे को पता नहीं भगवान मेरे रंग को लेकर के आ रहे मेरे कलर लेकर के आ रहे। चंद्रमा बोले तेरे से ज्यादा मेरे सौभाग्य क्यों प्रभु मेरे बंसे में आ रही है। अभी लड़ाई करने का समय नहीं, अभी लेने का समय नहीं, तुम भी थोड़ा हट जाओ तुम भी आनंद लो और ये चंद्रमा को भी आनंद ले लेते। इसलिए हमारे टीकाकार लोग कहते हैं देखना आकाश में जो काला मेघ छा जाए इसका एक थोड़ा कमेंट कर दो। आकाश में काला मेघ जब छा जाए विशेष करके चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन कौन खुश होता है? पहला किसान, किसान क्यों खुश होता है? उसने खेती बोया है, अगर बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा सब खत्म हो जाएगा। बोले यहाँ पर किसान कौन है? बोले पितामह ब्रह्मा जी जिसने ये सृष्टि को रचना की, लेकिन कंस आदि राक्षस लोग आकर के हैं बड़े उदास जा रहे थे ब्रह्मा बड़े दुखी हो रहे ये सृष्टि को तो मैंने रचना की लेकिन ये दुष्ट लोग संहार कर रहे हैं। लेकिन जब देखा काला में छा गया मतलब कृष्ण जब आए हैं ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। क्यों? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टाम। भगवान दुष्टों को विनाश करेंगे और ये संतों को पालन करेंगे। बोले दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है। बोले कौन? बोले मोर खुश होता है। अब देखा मोर कब नृत्य करेगा? आकाश में जब काला मेघ छा जाए जब गड़गड़ गड़गड़ आवाज हो बारिश होती ना देखना ये मयूर ये थिरक थिरक करके ये मयूर नृत्य करता है। बोले ये भाई भैया ये मोर कौन है? बोले श्री नीलकंठ श्री शंकर जी भोले बाबा। बोले ये क्यों प्रसन्न हो रही है? आगे सुनेंगे। अभी शंकर जी कैसे प्रभु का दर्शन करने के लिए कैसे ठाकुर जी को आएंगे और नंदगांव गए होंगे वो नंदगांव और कोई नहीं जो नंदीश्वर महादेव है वो शंकर ही पर्वत आए। इसलिए शंकर जी प्रसन्न हो रहे थे। बोले तीसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोले चातक। ये एक चिड़िया है। आप देखना ये चिड़िया किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी ये नहीं पीता है। ये कौन सा पानी पिएगा? जब बारिश ही होना तभी वही पानी को ये पीता है। इसलिए वो चिड़िया हर समय बोलता है प्यास हम मैं प्यास हूँ पानी पानी चितार करते रहता है। कहते भैया ये लोग कौन है? चातक। बोलिए नारद आदि भक्त वृंद है।
जो प्रभु की लीला दर्शन करने के लिए चातक पति जैसे टकटक लगाकर बैठे हैं, कब प्रभु आए और प्रभु का दर्शन मिले। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है, बोले दावा नल में दग्ध हाथी, जंगल में जब आग लग जाए ये हाथी को बड़ा कष्ट होता है, इधर उधर भागता रहता है, वहां फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है, जब घना घोर बारिश ही हो तभी जा करके जंगल का आग बुझेगी। बोले ये लोग कौन है? बोले इंद्र चंद्र आदि देवता लोग, कभी कभी दैत्य लोग स्वर्ग के ऊपर में आक्रमण करते करते कभी वहां से भी उनको भगा देते, वो लोग बड़े परेशानी थे, लेकिन जब देखा कृष्ण रूपी मेघ प्रकट हो रहे सारे देवता लोग भी खुश हो रहे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और जयकार जोर तो ना, जो भगवान का जितने जोर से जयकार दोगे ना ठाकुर को थोड़ी जयकार, उनको जय जय आएगा, उनका जितने जोर से जयकार देगा उसका उतना ही जय होगा और उतना ही पाप हमारी खत्म होगी। अभी ठाकुर जी आने वाले गोकुल में है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अभी सारा दुनिया जय जयकार कर रही, क्यों? भगवान अभी जन्म ग्रहण करने वाले, इसलिए ये भाद्र महीना अष्टमी की रात्रि है, रोहिणी नक्षत्र बुधवार दिन ठाकुर जी इसी जगह में प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। अभी ये गोकुल में कृष्ण कैसे आ रहे हैं? अभी आज लग रहा है इसी रात को बालक का जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, गांव में 8 बजे तक सब जगते हुए रहते हैं, उसके बाद सबके सब खा पी कर सो जाते हैं। बोले 2 घंटा 2 घंटा का ड्यूटी कम जन्म हो जाए, इन्होंने 8 से 10 बजे तक जिस पर ड्यूटी लगाए उनको बजरा पकड़वा दिया, उनको ढोलकी दे दिया, चिमटा दे दिया। बोले बैठ कर वहां कह रहा हो पता नहीं कब बालक का जन्म हो जाएगा। वो बैठ करके बड़े सुंदर कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बल सबके सब बोलते ताली बजाओ ताली बजाओ। एक संत दूसरे से पूछा भैया ताली बजाने से क्या होता है? बोले ताली बजाने से सब कुछ हो जाता है। देखो उसमें 4 कारण बताया ताली क्यों बजाते हैं, ध्यान देकर सुनो मैं पूछूंगा। पहला कारण बचा क्यों कीर्तन में ताली बजाए, गोस्वामी तुलसीदास उदाहरण देते ही, जैसे आप आंगन में गेहूं दावल चाल सुखाने के लिए दी, अगर कोई चिड़िया चुग रहा है खा रहा है उसको भगाने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो? ताली बजाते हो। क्या होता है फिर वो चिड़िया भाग जाती है। इसलिए जब हम भजन करते हैं कभी कभी ये पाप रूपी चिड़िया आकर के सर पर बैठ जाती है, लेकिन जब हम ताली बजाए ना गोस्वामी जी कहते हैं ये पाप रूपी चिड़िया उड़ जाती है।
लेकिन उड़ करके कहाँ जाती, कभी कभी बगल में बैठ जाती, हाथों से जा करके बगल में बैठ जाती। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, लेकिन जो बगल में बैठ जाती है क्या होता है, फिर जब हाथ उठा करके हम जयकार देते हैं फिर वो उड़ जाती। ये फर्स्ट कारण है। बोले सेकंड कारण क्या है, उस सेकंड कारण में बताए आप लोग सुने होंगे एक आकुप्रेशर, क्योंकि संतों लोगों ने भक्ति में जो जो चीज रखा है ना वो सब साइंस है, ऐसे नहीं मन भक्ति कोई एक मन की एक भाव नहीं, ये प्रॉपर साइंस है। आप सुने होंगे एक आकुप्रेशर, सुने कि नहीं, जो आकुप्रेशर जानते हैं वो हाथों से प्यार से सारे बीमारी को सही कर देते हैं, हैं सारे बीमारी को सही कर देते हैं। इसलिए हम ताली बजाते हैं ना, ये क्या होता है आकुप्रेशर होता है, सारे पैर से दबती है, हैं। आप देखना है, एक दो मिनट ताली बजा लो आपका शरीर में एकदम ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, एकदम ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। इसलिए ताली बजाने से क्या होता है, आकुप्रेशर होता है शरीर का तुम्हारी। अब रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, कहते ना ये जगह को दबाओ ये कैंसर सही होगा, ये डायबिटीज सही होगा, ये प्रेशर। अब देखे रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, वो दिखाता है हाथ से कौन सा पैंट से दबाओगे तुम्हारी कौन सा बीमारी सही होगा। जब ताली बजाते हो क्या हो गया, आपको प्रेशर हो गया। थर्ड रीजन बताए, अब जो लोग साइंस जब पढ़े होंगे, शरीर का जितने सारे नस तक हाथ और पैर से वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जब हम ताली बजाते हैं जितने नस है वो खुल जाती है। इसलिए साइंस ही बताया जो ताली बजाएगा वो बड़ा इंटेलिजेंट बनेगा, बड़ा बुद्धिमान बनेगा, है। उसका जो सबसे बढ़िया कारण बताए ताली बजाते हैं क्यों, देखना घर में जब बहुत ज्यादा दुखी दुखी हो जाते हैं हम किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, बोले भैया देखो तो हाथ थोड़ा दे लो तो, ये इतना दुख कष्ट क्यों आ रहा है, एक बाद में एक, एक बाद में एक, किसी तरह से दुख हल नहीं हो रहा है। हाँ बताओ ज्योतिष क्या तुम्हारी दुख दूर कर देगा, ज्योतिष क्या दुख दूर कर देगा, हाँ बता देगा ये दुख तुम्हारी, लेकिन वो दुख दूर नहीं कर सकता है। कहते हैं हमारी दुख को कौन दूर कर सकता है, बोले ठाकुर कर सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है ईश्वर, बोले ईश्वर का डेफिनेशन क्या है, बोले अकर्तुम कर्तुम जह सक्यते सर्व ईश्वर, मतलब है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, कहते वो ईश्वर है। अगर हमारी कोई भाग्य इधर उधर हो, अगर आप ताली बजाओगे, ताली क्यों बजाते हैं, हम कहते हैं ना भैया इनको स्वागत कर, ताली बजा करके स्वागत करो। यहाँ पर जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत कर रहे हैं बताओ, ताली जो बजा रहे हैं किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो, किसकी स्वागत में, भगवान की स्वागत में। अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना, अगर तुम्हारी कहीं भाग्य रेखा थोड़ी इधर उधर हो, भगवान ही ये भाग्य रेखा को सही कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं तुम्हारी भाग्य को कोई बदला सके, ठाकुर ही बदला सकते हैं। अब मेरे तरफ में देखो, माताओं का नाम जो ज्योतिष शास्त्र कहता है माताओं का उल्टा हाथ, ये जो रेखा है ये भाग्य रेखा है। अब स्वयं देख सकते हो ये रेखा जिसको जितने बढ़िया होगा हम संसार में उतना ही फलते फूलते रहोगे, और भाई लोगों के लिए ये रेखा आप स्वयं देख सकते हो। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर ये रेखा को बीच रेखा को पार करे, ऊपर रेखा को अगर तुम्हारी भाग्य रेखा पार किया बहुत बढ़िया, अगर जाकर के ऊपर में त्रिशूल रूप धारण करता है कभी तीन जगत में तुम्हारी जय जयकार होगा। ये ज्योतिष शास्त्र की विधि में बताई गई। हम लोग कीर्तन करने से पहले हाथ दे दिए और कीर्तन के बाद देखना क्या ठीक है, भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं, ये भगवान ही भाग्य को बदलाएंगे, दुनिया में कोई हमारे भाग्य बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जोर जोर से ताली बजा, ठीक है, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि Hey, Rahe, 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 Rahe,
कब श्री वसुदेव महाराज आए और बेटा रखकर कब बेटी को लेकर चले गए पता नहीं पड़ी। अभी जो सुनंदा थी नंदा बाबा की बहन एक दिन सवेरे सवेरे उसकी आंख खुली देखा सबसे सब सोए पड़े हुए किसकी होश नहीं। इतने में बोले भैया भाभी का क्या हालत है। वो आग के दरवाजा खोल करके देखते ही मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर एक श्याम रंग का बालक पहुंच रहा है। वो भिखारी मारते हुए सुनंदा ने देखा पता नहीं ये बालक कब जन्म हो गया पता ही नहीं। ये सबके सब तो सो रहे हैं बल ये पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए फिर मेरे को ये नवलख हार मिलेगी। लेकिन ये नंद बाबा है कहा उनने ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ करके माला जप कर रहे थे। वो माला जप नहीं हो रहा था सोच रहे थे घर में लाला की कब जन्म होएगा घर में लाला कब जन्म होएगा। इतने में सुनंदा जा करके बोल दिया बोले भैया कमाल है गयो है। इतना बोलते ही तो नंद बाबा छलांग लगा दिए बोले सुनंदा ये बताओ कहाँ भयो है। बोले पहले बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले तेरे को मैं नवला की हार दूंगा। बल बाबा बात इतने बड़ी जिसको सामने ये नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात बोले हाँ बोले बताओ और क्या मिलेगा। बोले तेरे को जमुना किनारे में वो जितने गैया चलाने का जितने जमीनी जागा तो उसको दे दूंगा। बोले बात इतने बड़ी उसको सामने ये भी कुछ नहीं। बोले और क्या दोगे बताओ। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी काट ले ले जो कुछ इच्छा सो ले लेना लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की। अभी तो नंद बाबा वहीं से दौड़ लगाए वहीं से भागे वहां से और उन्होंने कितने तपस्या कितने यज्ञ कितने पुण्य उन्होंने किया था घर में एक लाला की कभी जन्म हो जाए क्योंकि भविष्य में राज सिंहासन को संभालने वाले कोई नहीं। अभी उन्होंने बल्कि ये ब्राह्मण और साधुओं को कृपा से ये बूढ़े उम्र में मुझे लाला मिलो है। पहले साधु ब्राह्मणों को बुलाओ स्वस्ति वाचन पढ़वा करके पहले आशीर्वाद दो उसके बाद में एक नाई को भेज दिया बोले जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो मेरे घर में लाला भयो है। सबके सब बधाई देने के लिए आए और जितने सब ब्रज गोपियां थी वो 84 गज की लहंगा पहन करके दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के सबके सब बधाई देने के लिए सबके सब आए और जितने गोप लोग थे बड़े सुंदर बगल बंदी धोती पहन करके बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए और जो गोपियां आ रही थी कान में कुंडल पहन रखी थी कुंडल बड़े जोर जोर से वो कुंडल हिल रहा था मानो कुंडल यह बता रहा था तुम लोग पहुंचने से पहले मुझे छोड़ दो पहले जाकर के कृष्ण को मैं पहले जाकर के बधाई दूं। छोटी में जो सुंदर माला के श्रृंगार की थी वो एक एक फूल गिरते गिरते उनके चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों बोले जो व्यक्ति कृष्ण की बधाई देने जा रही है उनकी
चरण की हमें पूजा करनी चाहिए, जिन्हें ब्रज गोपियां ये सब के सब माँ जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो जिन्हें माताएं बैठे हैं ना, अब सब के सब मैया से ब्रजवासी हो, सब ब्रज गोपियां हो। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, अब जितने माताएं जोर से बोलना बधाई हो। क्या बोलोगे? हाँ जोर से बोलना, बोले मैया जसोदा बधाई हो। आनंद नहीं आए, लगता है आज व्रत रखे हो, आवाज नहीं निकल रही, थोड़ा और जोर से आवाज। मैया जसोदा बधाई हो, मैया जसोदा बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बुरी उम्र में भी मेरे को लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है। ये लाला मेरा नहीं, ये लाला तुम लोगों को लाला है, और जितने गोपियां सबके सब कृष्ण का आशीर्वाद दे रहे थे। बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, 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 मैया तेरो आशीर्वाद दे रहे थे। अभी सबके सब ब्रजवासी लोग आ गए, लेकिन केवल दो व्यक्ति बाकी है, एक वृषभानु महाराज और एक श्री कृतिका मैया जो राधा रानी की पिता माता है। ये ब्रज में नंद बाबा और वृषभानु महाराज में भी मित्रता थी दोनों के अंदर में। अभी कोई दो लोग आ जाए फिर उत्सव शुरू होगा। देखते देखते दोनों प्रवेश किया है। जब प्रवेश किया कृतिका मैया तीन चार मटकी में इसमें दूध दही उसमें मक्खन मिश्री लेकर के आई। अभी उत्सव प्रारंभ होगी, एक गोप ने किया थी एक डंडा लेकर के ना अपना मटकी में मारी, मारते मटकी फूट गई और दूध दही से मैया कृतिका सुंदरी स्नान कर ली। एक दही का दी होता है, दही का दी मतलब है दही में उसमें हल्दी और घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर में लगाते हैं, हाँ जिसको दधी दादी कह रहे हैं। एक दूसरों के ऊपर में लगा रहे थे, वहां पर एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया और फिसल फिसल कर दूसरों के ऊपर में गिर रहे थे एक दूसरों के ऊपर में, और मखन डेले को डेले उठा उठा करके एक ऊपर दूसरे फेंक रहे थे। वहां पर एक बड़ी बूढ़ी गोपी जिसका एक भी दांत नहीं थी, वो तो देख रहे थे भैया बड़े जोर की नंद महोत्सव हो रहा है। एक गोप ने किया क्या, एक मक्खन की डेला उठाया उसकी एक दांत नहीं थी और उसको मुंह को लक्ष्य कर मारे तो मुंह में लगा तो सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते, इसलिए सबके सब नाच रहे थे और गा रहे थे, और वहां पर नंद बाबा बैठे बैठ करके देख रहे थे। जितने बरसाना नंद गांव के गोप थे, बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भय हुए, अरे कम से कम आज तो थोड़ा नाच ले। उनको पकड़ करके ले आई, बोले कहाँ? बोले नंद बाबा का जो आंगन थी वो बहुत बड़ा आंगन है जिसमें दूध दही से पूरा भर गया था, ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर कोई खीर समुद्र यहाँ पर प्रकट हो गई। नंद बाबा को पकड़ करके बीच में ले आए, एक तरफ में नंद गांव के गोप दूसरे तरफ में बरसा का में पकड़ लिए, ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र यहाँ पर मंथन होने वाले हैं। वहां पर श्री शंकर जी आए थे, 33 करोड़ देवता लोग आए थे वहां पर। अभी नंद बाबा 20 लाख गैया दान दिए, अभी शंकर तो डर गए, बोले क्यों? बोले मेरे बाहर भी तो नंदी है
ऐसे हो रहा हो ये गैया को दान देते देते भूल से मेरे नंदी को दान नहीं देते दे। इसलिए उन्होंने तो नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए शंकर जी। वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, बोले पार्वती भी डर गई, बोले डर पार्वती क्यों डर गई, बोले इसलिए डर गई उनकी बेटा श्री गजानन। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी जय गणयन लाल की। उन्हें इतने हाथी घोड़े दान दिए, अभी मैया पार्वती सोच रही मेरा बेटा तो गजानन गणेश जी, उसका सर भी हाथी जैसे, ऐसे नहीं दान देते देते भूल से मेरे बेटे को तो हाथी मान करके दान में नहीं दे दे। इसलिए उन्होंने अपना गोद में लेकर के चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर धन कुबेर भी आए थे, लेकिन नंद बाबा इतने दान दिए जिसको देख करके कुबेर भी स्वयं लज्जित हो गए, बोले मैं धन सारे मेरे पास में, लेकिन नंद बाबा आज इतने दान दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतने धन दौलत नहीं, वो भी लज्जित हो गए। तो सर्दियां गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम लोग एक भय की कविता बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी
ब्रज में जो है 84 क्रोश ब्रज मंडल गोपियां आकर नृत्य किया नंद के आंगन में। लेकिन यहाँ के गोपी को देखो खेल कर दिया बाबा ने, हाथ भी ठीक नहीं है फिर भी नाच रहे। लेकिन यहाँ के गोपियों की जो है नाक काट कर दिया, देखिए बाबा कैसे नाच रहे हैं। अरे जायो सभी लोग ताली बजाकर नाचते भय गाएंगे। अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला हल्ला में हल्ला तो बच गयो, जो के अपने नाम है कज दे।
I'm
जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को गोकुल में रख के वहां से बेटी ले आए, बेटी रोने लग गई, सबके सब जग गए। कंस को बोल दिया तेरे काल जन्म ले लिया। कंस आगे देखा बेटा नहीं बेटी। देवकी ने बहुत प्रार्थना की लेकिन वो मानी नहीं। उसने उसकी बेटी जब मारने के लिए गई और स्वयं मारी, उसने ऐसे चरण की ठोकर मारे एकदम कंस वहीं पर गिर पड़ा। उसने आकाश में जा के अष्टभुजाओं को धारण कर ली। बोले रे मोड़ा कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तेरे को मारने वाला तो अंतर जन्म ले लिया। देखा ये कुलदेव, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। उसने सारे अपना पुतना अघासुर बकासुर को बुलाया। बोले बताओ अभी क्या करें? पुतना बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना का मतलब क्या? बोले पुत ना, पुत माने पुत्र, ना मतलब नहीं, जिसकी पुत्र नहीं। बोले ये पुत का क्या काम है? अगर कोई बच्चा जन्म लिया होगा एक महीना में, बोले हाँ, बोले मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ। बोले बहन, सारे बच्चे को तुम मार डालो। अभी पुतना सीधा चली गई गोकुल में। जब गोकुल में आई, जहां देखे एक ही चर्चा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबके सब एक ही रटना लगा रहे हैं। इतने में पुतना उनके साथ में हील मिल गई और सीधा चली गई नंद भवन में। और मैया यशोदा पल्ले में कन्हैया झूला रही थी और जा करके सीधा उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिए। बोले मैया यशोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार देनी चाहिए। इतने में कृष्ण आंख बंद कर देते। बोले कृष्ण आंख भी क्यों बंद किया? इसको पीछे पांच कारण बताए कृष्ण आंख क्यों बंद किया। पहला कारण बताया, तू कपटी हो, ऊपर में तो तू माँ की रूप धारण करके आई लेकिन अंदर में तो जहर लेकर के आई मेरे को मारने के लिए, इसलिए तू कपटी हो। मैं कपट व्यक्तियों का मैं मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने आंख को बंद कर दी। दूसरा कारण बताए, बोले बच्चे ब्रज में बच्चों को मारने के लिए आई ना, तुमको पता है ये बच्चे कौन है? ये सब मेरे सखा और सखियां हैं, इसलिए तुम मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। तीसरा कारण बताए, भगवान गर्भ में आनंद कोटि विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के गर्भ में है। अभी अगर उन्होंने बीस पान करेंगे प्रभु, क्या होगा? ये विश्व ब्रह्मांड बंद हो जाएगी। सारा दुनिया प्रभु को बोले हे प्रभु, आप उसकी तन
मत पान करो, क्यों स्तन में केवल जहर लेके आई, आपके गर्भ में विश्व ब्रह्मांड है। अगर आप ये स्तन पान करोगे, हम जो गर्भ में हैं, हम सबके सब मारा जाएंगे। इसलिए हे प्रभु आप स्तन पान मत करो। इसलिए भगवान आंख बंद करके भोले बाबा को याद किया, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले आपका काम बीस पाना पीना और मेरा काम दूध पीना, आप बीस बीस को पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। कहते ये चौथा कारण। पंचवा कारण, अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये पुतना पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवतना है। जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु को याद नहीं आता है। देखो गोस्वामी जी ने एक सूत्र में दो अर्थ मत निकला, अब ध्यान देकर सुने, बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवतना है, मतलब क्या है? कदि ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी वो अंतिम समय में प्रभु राम के नाम नहीं आते हैं। इसलिए कोई कोई बोलते हैं ना, अरे अभी से क्या भजन करेंगे, ये भजन करने का उम्र है, जब हम रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा तब भजन करेंगे। प्रहलाद कहते भैया सरकार क्यों रिटायर करता है इनको, जब देखता है ये आठ आठ घंटा बैठ करके और काम नहीं कर सकता है, है? ये आठ आठ घंटा बैठ करके और भजन नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार कहता भैया जाओ तुम्हारा जो कुछ होना हो गया, अपना घर में जाओ। जब तुम साधारण काम से रिटायर हो गए हो, फिर तुम फिर भगवान की भजन कैसे करोगे, ठाकुर जी की भक्ति कैसे करोगे? इसलिए ये एक कारण है। दूसरा कारण बताए, भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए। कितने उम्र से करनी चाहिए भक्ति, कितने उम्र से करनी चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति 5 साल उम्र से भक्ति करनी चाहिए। कितने साल उम्र? बोले 5 साल से क्यों करें, बूढ़े होकर क्यों नहीं करें? तो प्रहलाद महाराज को बड़े सुंदर सुंदर सिखा दिया है। कहते हैं हम बूढ़े अवस्था में क्यों नहीं करें, हम ये बचपन से भक्ति क्यों करें? उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल देकर बताए। जैसे मिट्टी जब कच्चा रहता है ना, मिट्टी जब कच्चा हो आप कच्ची मिट्टी में जो कुछ बनाना बना सकते हो, जब मिट्टी पक जाती है फिर पके हुए मिट्टी में कुछ बनती है, फिर कुछ बनेगी? वो कुछ नहीं बनेगी। इसलिए मिट्टी कच्चा अवस्था में जो कुछ बनाना बना सकते हो। इसलिए जो बचपन हो, देखना बच्चों को पढ़ाई कोई भी चीज याद करने के लिए बताओ, बच्चे झट याद कर लेंगे। लेकिन जब उम्र ज्यादा हो जाए, कोई चीज रखने के लिए बताओ, याद करने के लिए याद होगी, याद होगी? याद हो नहीं पाएगी। इसलिए जैसे कोरे कागज है, कोरे कागजों के ऊपर में आप जो कुछ लिखना आप लिख सकते हो, लेकिन कागजों के ऊपर में जब एक बार लिख लो, आप दूसरे बार उसको ऊपर लिखने के लिए जाओ, देखना आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए फूल जब खिला हुआ रहता है, फूल जब खिला हुआ रहता है उसको हम ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकता है। फूल जब सड़ जाए, फूल जब मुरझा जाए, क्या फिर ठाकुर जी के चरण में चढ़ाते हैं? वो चढ़ने का लायक ही नहीं रहती है। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति कितने उम्र से करनी चाहिए, भक्ति 5 साल उम्र से प्रभु की भजन कर लेनी चाहिए। आवाज आ रही है पीछे? पीछे आवाज नहीं आ रही ना? बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये पुतना ने पूर्व जन्म में इसे क्या उसने पुण्य की है, ऐसे क्या उसने पुण्य की जो कि मेरे को ये गोद में उठा रहा है, ये मेरे को गोद में उठा रही है। जरूर ये कोई पुण्य जन्म में, पूर्व जन्म में जरूर कोई पुण्य किया हुआ है।
इसलिए उन्होंने आंख बंद करके देखा, सचमुच से ये पूर्व जन्म में ये रत्नमाला थी। जब भगवान वामन अवतार लेकर गए थे, उनकी बेटी की मन में इच्छा हुई थी, अगर मेरा ऐसे के लाला होना, फिर तो उसको दिन भर गोद में लेकर उसमें दूध पिलाती। भगवान ने बोले कोई बात नहीं। लेकिन जब भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किया, उनको पिताजी को नाग फांस बंधन में बांध दिए, बोले बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ लूट लिया और फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर मेरे बेटा बन करके आओगे ना, अगले जीवन में तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। देखा वही पुतना ही अभी है, कोई रत्न वाला पुतना बन कर आई। अभी उसने भगवान को अपना वो ठाकुर जी को अपना गोद में लिया। जब भगवान को उसने स्तन पान कराया, स्तन में तो दूध है ही नहीं, स्तन में तो केवल 20-20 भरा पड़ा हुआ। इतने में भगवान उसको प्राण को भगवान ने आकर्षण किया। उसने बहुत कोशिश की छुड़ाने के लिए, लेकिन किसी तरह से उन्होंने छुड़ा नहीं सकी। वो सोच रही है किसी तरह से अगर मैं मथुरा चली जाऊँ ना, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में पुतना अपना विकराल रूप धारण की भयंकर रूप, बोले कितने बड़ी थी, बोले त्रिगभ्युती, मतलब 18 मील लंबी होगी। इसलिए कुछ कुछ कथाकार लोग कहते हैं पुतना इतने बड़ी थी, जहां पर उसकी हाथ गिरी ना, उसको कहते हो हाथरस, बोले जहां पर उसका मूड़ गिरा उसको मूड़सान कहते हैं, जहां पर उसका घर शरीर गीला गिरा उसको कहते हैं आगरा, जहां पर उसके अलंकार कहते हैं आलिंगन। मतलब कहते हो इतने बड़ी, वो इतने बड़ी पुतना थी। यहाँ पर कहते पुतना कहाँ पर जाकर के गिरी, बोले कंस का एक बगीचा थी, बड़ा सुंदर बगीचा, फल फूल से सबसे प्यारा बगीचा है। लेकिन कंस का निर्देश था ये बगीचा की कोई भी फल और फूल किसी ब्रजवासी और किसी भक्तों को कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए। ये जितने फल फूल मेरे को और मेरे अनुयायी जितने ये सब राक्षस है, इनको ही मिलनी चाहिए। कृष्ण ने देखा दुनिया मनाया मैंने, ये दुनिया मेरा है और मेरे को अरे मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और दुष्ट लोगों को सब मिलेगा। इसलिए जोग माया ने किया कि पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गई और ले करके उसको जो सुंदर बगीचा थी ना, वो बगीचा के ऊपर उन्होंने धड़ाम और इतनी जोर से चिल्लाया जितना उसका पेड़ लगा और जितने फल फूल ना, सब तो उन्होंने सत्यानाश कर दी। हाँ देखो, ध्यान देख सुनो, यहाँ हमारे टीकाकार लोग बहुत अच्छी चीज सिखा देते, बहुत अच्छी बात टीकाकार को बताए। बोले पुतना को वहां पर क्यों गिराए, इसका क्या रहस्य है? बोले इसका रहस्य है उपनिषद क्या है, ये दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं, ये दुनिया किसने बनाया? हमने बनाया ना? ठाकुर ने बनाया। किसने बनाया है? ठाकुर ने बनाया। ये दुनिया किसे है? ठाकुर जी की दुनिया उपनिषद है। पर फिर क्या करनी चाहिए? कहते जो कुछ घर में खाना खाते हो, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को सामने धर दो, उसमें तुलसी पत्ता दे दो, तुलसी पत्ता दे करके हरे कृष्णा सब सब एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ठाकुर जी को भोग लगा दो, फिर क्या हो जाएगा? वो प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद। प्रसाद का मतलब आशीर्वाद, वो प्रसाद हो गया। अगर ये प्रसाद का आप खाओगे ना, तो ये गीता का श्लोक है, देखो अब ध्यान दे कृष्ण, इतनी सी बात अब 7 दिन तक कथा सुनोगे ना? कितना दिन तक कथा सुनोगे? 7 दिन तक, कम से कम इतनी सी बात घर में लेकर जाओ, इतनी सी बात आप लेकर जाओगे ना, तुम्हारी घर नहीं देखना, घर तुम्हारी वैकुंठ बन जाएगी, वृंदावन बन जाएगा। अगर इतनी सी बात आज यहाँ से लेकर गए तो हमारे टीकाकार लोग कहते हैं ये कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते। बोले हे अर्जुन,
जो मेरे को भोग लगा करके खाना खाता है, कद जीवन का सारे क्लेश, जीवन का सारे दुख उसका नष्ट हो जाता है। कृष्ण खुद कहती है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर मेरे को भोग नहीं लगाए बगैर खाता है, खुद बनाया और स्वयं खा लिया, बोले भोजन तू अघम, वो केवल पाप ही पाप भोजन करता है। और मनुष्य संहिता कहता है, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, कहते स्वान बिष्टा, कहते वो कुत्ते की बिष्टा के बराबर है। जो चीज मेरे को भोग नहीं लगता है और जो चीज ठाकुर को भोग लगता है, कहते ये अमृत है। मीरा का नाम सुने हो? कौन कौन मीरा का नाम सुने हो? आप देखना, उसको राणा पति ने जब उसको पास में जहर भेजा मीरा को मारने के लिए, लेकिन मीरा क्या करती थी, जो खाती थी गिरधर गोपाल को भोग लगाती थी। उसने अपना गिरधर गोपाल को भोग लगाया, लेकिन वो जहर भी बन गया प्याला, जहर भी अमृत बन गया। अगर भगवान को हम भोग लगाएंगे, देखना वो वस्तु पवित्र हो जाएगा। घर में बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, स्वयं खाओ, देखना घर में सारी घर से अपनी खत्म हो जाएगी। भगवान कृष्ण गीता में ये बात को स्वयं कहते हैं। इसलिए घर में क्या करोगे बताओ? घर में क्या करना? घर में ठाकुर जी को क्या करोगे? लगाते हो भोग? सबके सब लगाते हो घर में भोग? कौन कौन लगाते हो घर में ठाकुर जी का भोग? हाँ, जो लोग लगाते हो तो लगाना, जो लोग नहीं लगाते हो आज से शुरू कर देना, ठीक है ना? और देखो भगवान को भोग लगाने का कितना पुण्य, देखो, और नहीं लगाने का पाप। आप लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, टीवी में कृष्ण लीला देखे होंगे। एक दिन कृष्ण सुदामा जब जंगल में जा रहे थे, उनको गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया, बोले सुदामा इसको कृष्ण को दे करके खाना। अब टीवी देखे होंगे, बारिश ही हो रही है, एक पेड़ में कृष्ण चढ़े हुए, दूसरे पेड़ में सुदामा। सुदामा ने क्या किया? छुपा छुपा कर चना खा लिया। कृष्ण तो सब जानते हैं, बोले सुदामा मैं हिस्सा की भाग तो खा रहे हो, तेरे को इसका फल भोगना पड़ा। इसलिए उसको इतने गरीब भोगना पड़ा, इतने गरीब उसने भोगा, इतने जीवन में दुख भोगा। क्यों? भगवान को बिना देखा है। धनी का बना, जब उसकी पत्नी को पता लगे बच्चन का दोस्त कृष्ण, बोले जाओ एक बार कृष्ण को दर्शन करके आओ, आपकी ये गरीब अवस्था देख करके जरूर कृष्ण को ना कुछ तुम्हें देंगे। बोले देखो ठाकुर के पास में खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। उनने दो मुट्ठी चिड़वा मांग करके लाई, आप सब देखे होंगे। सुदामा एक मुट्ठी खाए, कृष्ण एक मुट्ठी खाए, कृष्ण दो मुट्ठी खाए। जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, नहीं प्रभु और मत खा खाया करो। क्यों? अपने दो मुट्ठी खा लिया तो घर का जितने ऐश्वर्य, ये सारे ऐश्वर्य उसको घर में पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा। और सुदामा जब आया, वो जो छोटी सी कुटिया थी वो कुछ है ही नहीं, वो छोटी सी तस्की पौधा कुछ है ही नहीं, वहां राजमहल खड़ा हुआ। सुदामा बोले भैया मैं कहाँ आ गया, क्या रास्ता भूल गया? किसी को पूछा भैया ये राजमहल किसकी है? बोले सुदामा की। बोले होगा और कोई सुदामा होगा, मेरे नाम से और कोई होगा? इतने में उसको पत्नी छत के ऊपर में खड़ी हुई, वो तो बन गई राजकुमारी। अब नीचे उतर करके अपना पति को आरती उतारने के लिए आई। सुदामा सोच रही कि राजकुमारी मेरे तक क्यों आ रही है। सुदामा पीछे पीछे हट रहे थे, इतने में उसकी पत्नी सुशीला बोली क्या मेरे को भेज नहीं पा रहे? बोले तू है कौन? बोले मैं आपकी वही सुशीला ना, ठीक से दिखा। बोले ये सब क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए अपने चिड़िया लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, और दो मुट्ठी खाए तो ये त्रिभुवन की राज्य दे दिया। देखो भगवान को दे करके खाने का कितने पुण्य है, ठीक है ना? क्या करोगे? ठाकुर जी को भोग लगाना, जरूर भोग लगाना। अब स्वयं भोग लगा करके देखो, जो कष्ट तुम स्वयं घर से नहीं निकाल पाते हो, शांति आप स्वयं देखना, घर में कोई भी दुख कष्ट अशांति रहेगी।
बोले क्यों नहीं रहेगी? देखिए शास्त्रकार कहते हैं ये चीज को अच्छा दिमाग बैठो, हम जो कुछ चीज घर में खरीद करते हैं पैसा से, इसे खरीद करते हैं पैसा से, ये पैसा का एक नाम है लक्ष्मी। पैसा का नाम क्या है? लक्ष्मी। आप बताओ लक्ष्मी किसकी? लक्ष्मी तुम्हारी ना लक्ष्मी नारायण की? बोलो किसकी लक्ष्मी? नारायण की। ये लक्ष्मी जब तक नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, भले ही तुम्हारे घर में करोड़ रुपया आ जाए, अरब खरब रुपया आ जाए, अगर वो लक्ष्मी नारायण सेवा में नहीं लग रही है, वो घर में वो लक्ष्मी कभी भी सुख नहीं देगा, कभी भी नहीं। देखना बहू बहू में लड़ाई कर देगी, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, मामला मकदमा कहीं लग जाएगी, कभी कभी इतने कठिन रोग दे देगी, उसमें करोड़ रुपया चली जाएगी, उसी में ये रख नहीं सकते। क्यों? लक्ष्मी की तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी की तुम भोग नहीं कर सकते हो, लक्ष्मी के तो केवल नारायण ही भोग कर सकते हैं। इसे जो भी खरीदी करते पैसा से, वो अगर वो चीज अगर भगवान की सेवा में लग गई, माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है, बोले बेटा मैं अपना पति को सेवा में लगा दिया, खूब फलते फूलते रहो, खूब खुशी रहो। अब स्वयं कृष्ण गीता में ये बात वो स्वयं अर्जुन को समझा रहे हैं, आसे क्या करना ठाकुर जी को भोग लगाना। लेकिन देखो उसमें एक दिक्कत भी है, बोले क्या दिक्कत है? बोले अगर हम प्याज लहसुन खाएंगे ना, फिर भोग नहीं लगा सकते, है ना? इसलिए कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन छूट जाए। इसे कल मैंने आपको समझाया था, जब समुद्र मंथन में अमृत जो मोहिनी बांट रही थी, ये स्वर भाना ये चंद्र सूरज के बीच में बैठ गया, उसने अमृत पी लिया, इतने में भगवान चक्कर को बुलाकर गला काट दी, जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा कहते वहीं से ये प्याज हुई, जहां पर उनकी हड्डी गिरा वहां से लहसुन की पौधा हुई, जहां पर उसकी खून की बूंद गिरा वहां पर मसूर डाला। कहते पुराण में ये कथा आती है, पुराण में दूसरी कथा आती है, पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, सारे ऋषि लोग, अगर गैया कोई भी हो जाए, गैया माँ है ना, इसलिए उनको मरने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ करके उसको बलिदान देते थे, सबको हाथ में दे देते थे, जब आहुति डालते थे ऋषि मंत्र पढ़ते थे, वो बूढ़ी गैया फिर जवानी होकर निकलती थी। एक समय उन्होंने ऐसे किया, लेकिन किसी व्यक्ति ने वो गैया मांस को छुपा दिया खाने के लिए, सबसे सब डाले, ऋषि मंत्र पढ़े, गैया दो बार प्रकट हुई, लेकिन जहां जिस अंग का मांस को उसने छुपाया, देखा इतना बड़ा घाव बना हुआ, ऋषि तो साधारण थी नहीं, ध्यान लगाई, देखा किसने मांस खाने का लोभ से छुपाया, उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिया वहां पर प्याज की पौधा होगी, जैसे मांस लाल लाल का प्याज वैसे बनेगा, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आएगी, कहते प्याज में भी बदबू आती है, देखना कच्चा प्याज था मुंह से बदबू आती है, यहाँ प्याज का तो पता चलेगा प्याज कट रही है, हाथ से आंसू आ जाती है, हैं? अब लोग नवरात्रि व्रत रखते हो? नवरात्रि कौन कौन व्रत रखते हो? 9 दिन तक ये सब चीज खाते हो क्या? ये चीज कोई नहीं खाते, क्यों? माँ को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना, फिर खा कर नाराज करो? इसलिए माँ को जो चीज पसंद नहीं, ठाकुर जी को जो भोग नहीं लगता है, वो चीज हमें भी नहीं लेनी चाहिए। आप लोग देखना अपना परिवार में, एक पीढ़ी पहले आप लोग देख लेना, किसी घर में नहीं आती थी, क्यों? हमारे जितने पूर्वज लोग क्या करते थे, सबके सब ठाकुर को भोग लगा कर खाना खाते थे, सबके सब इसलिए घर में ये चीज को कोई नहीं लाया करते थे, पवित्र रूप में खाना बना करके भोग को ठाकुर जी को भोग लगाते थे। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना, जैसे धीरे धीरे छूट जाए, हैं, धीरे धीरे छूट जाए, लेकिन हम क्या कहते, स्वाद नहीं आता, अगर प्याज नहीं, देखना हर सब्जी दाल की एक अपना स्वाद है, लेकिन प्याज डालने पर उसका जो 80% खत्म हो गया, उसमें प्याज की बदबू आ गई है, लेकिन हम बदबू को कह रहे हैं ये खुशबू है। आप लोग देखना कुछ दिन ये चीज को छोड़ दो, देखना प्याज जहाँ कटेगी ना, आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, सर तुम्हारी दर्द करना शुरू कर देगी। अमेरिका में अगर कोई पायलट अगर कहीं एक बार प्याज खा लिया ना, उसको 20 दिन तक प्लेन उड़ाना बंद कर देते, इतने जल्दी वो रिएक्शन करता है शरीर दिमाग में,
20 दिन तक उसको प्लेन नहीं उड़ा सकता है, वहां पर ये नियम उनकी है। इसलिए कोशिश करना धीरे धीरे को छोड़ करके शुद्ध रूप में खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, आप देखना घर में सारे शांति सुख घर में अपने आप आ जाएगी। बड़ा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी सारे ब्रजवासी पीछे पीछे भागे, ये कहां हमारी लाला को लेकर ले जा रहा है, देखो अब इतना मरी पड़ी हुई। वहां से कृष्ण को उतारे, मैया यशोदा स्तन पान करा के थोड़ी सी जब मिट्टी मिट्टी मुस्करा दी, बोले मेरे लाला ठीक है। मेरे काली गैया के पूछ से झाड़ा लगवाए, राय नून की मंत्र करके छिड़काव करवाए हैं लाला को। जब पुतना शरीर में आग लगाए ना, कपूर अबूर चंदन की खुशबू निकली, क्यों? ठाकुर जी उनकी स्तन को पान किया है। तो यहाँ पर कहते हैं देखो कृष्ण कितने बड़े दयालु, देखो बोले कैसे, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्रासना जिज्ञासयापि हरे स्तनम दत्वा अब सदगति। पहले पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण दुर्गुण था। पहला नाम है पुतना, पुतना मतलब जो पवित्र नहीं जो अपवित्र थी। दूसरे नंबर में राक्षस थी। तीसरे नंबर में बच्चों का खून पीते थी। चौथी नंबर में भगवान के लिए उसने जहर लेकर के आई थी। उसको अंदर में सारे अपगुण, एक भी कोई अच्छी गुण नहीं थी। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं ठाकुर जी, उसका कोई अपगुण ठाकुर जी नजर नहीं दिए। उसने जो केवल माँ के रूप धारण करते हुए आई थी, ठाकुर जी सीधा उसको बोलकर वृंदावन भेज दिए। इसलिए भगवान बड़े दयालु बड़े कृपालु हुए। हमारे अंदर में असद गुण में ठाकुर जी कोई नजर नहीं देते ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी दयालु है। देखो भगवान राम और कृष्ण करी करी एक ही लीला की है। आप लोग बताओ भगवान राम सबसे पहले किसको मारे, कौन हाथ उठा? भगवान राम सबसे पहले किसी को मारे, पीछे माताएं बताओ। हाँ लगता है सब पंडित लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए राम भगवान किसको मारे, पुतना का सबसे पहले तारका को मारे, और कृष्ण सबसे पहले किसको मारे, पुतना को। देखो ये दोनों ठाकुर करी करी एक ही लाख किया है। ये पुतना का मतलब क्या, पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है। बड़े तारका का मतलब, बोले तारा यति इति तारका, तारका मतलब होता है जीव को जो भगाए, जीव को जो भगाते रहे। बोले जीव को कौन भगाता है, बोले काम क्रोध लोभ मोह, यही जीव को भगाता है, हैं? इसलिए दोनों प्रभु मानो एक ही काम किए, दोनों प्रभु एक ही चीज शिक्षा देते हैं। अगर कोई मेरे को हृदय में बैठना चाहते हो, पहले पुतना और तारका को सबसे पहले मारो। पुतना कितना अक्षर हुई है, कितना अक्षर हुआ, पुतना कितना अक्षर हुआ, अरे बोलो पुतना कितना अक्षर हुआ, तीन अक्षर। ताड़का कितना अक्षर हुआ, तीन। पुतना स्त्री और ताड़का भी स्त्री, इसलिए दोनों प्रभु करी करी बराबर लीला करते हैं। अभी कृष्ण थोड़ी सी बड़े हुए, जब बड़े हुए इतने में शंकर जी को पता चला मेरे प्रभु जन्म हुए। शंकर जी ने देखा प्रभु का तो सारे लीला हमने देखी है, लेकिन प्रभु भगवान होते हुए भी अगर प्रभु को भूख लगना रोते हैं। फिर मैया प्रभु को दूध पिलाती है, विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया उसकी अंगुल पकड़ पकड़ कर चलाना सिखाती है। ये लीला तो हमने देखा ही नहीं। शंकर जी प्रभु को दर्शन करने के लिए आए। अब जानते हो शंकर जी का स्वरूप कैसे है, हैं? बोले सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर जी को तो सुंदर बताया, लेकिन आप उनका ऊपर का ड्रेस देखना एकदम सुंदर नहीं अपवित्र है। बताओ शंकर जी को ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है, धदुरे और आकंद, जो फूल कोई नहीं लगाते हैं, जो अपने आप जंगल में होता है वही फूल शंकर जी को पर चढ़ता है। क्यों? शंकर क्या जूई बेली चमेली फूल को ग्रहण नहीं कर सकते? बोले नहीं, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु मेरे बांके बिहारी राम तो मेरे प्रभु है। अगर मैं अच्छे अच्छे फूल का ग्रहण करूंगा फिर मेरे प्रभु की सेवा में क्या लगेगा। इसलिए शंकर जी अच्छे पुष्पों को ग्रहण नहीं करते। शंकर जी शरीर में स्नो पाउडर नहीं लगाते हैं,
चंदन नहीं लगाते हैं, शंकर जी क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, कोई अच्छे बहुत नहीं, शमशान की। बोले क्यों, वो अच्छे बहुत क्यों नहीं लगाते शंकर जी, दुनिया को शंकर जी गुरु जी है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। देखो जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर सजाते हो, जिसको लेकर जिम जाते हो, जिसको तुम जा करके हैं चवन प्राश खाते हो, जानते हो ये शरीर का परिणाम क्या, बोले दो मुठी राग और कुछ नहीं। इसलिए गले में हड्डी की माली माला धारण करते हैं, बोले शरीर का परिणाम केवल दो टुकड़े हड्डी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महामंत्र जई जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेश। इसलिए शंकर जी दिन रात हैं, बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी हर समय पंचमुख में प्रभु राम का नाम लेते हैं, प्रभु कृष्ण का कीर्तन करते हैं शंकर जी हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए शंकर जी कहते, शंकर जी का अलंकार क्या है, शंकर जी कोई सोने चांदी पहनते हैं, कोई सोने चांदी नहीं, बताओ शंकर जी का अलंकार क्या, सर्प, गले में भी सर्प, कमरे में भी, हाथ में देखना वो सर्प ही सर्प है। बोले क्यों, ये सर्पों को क्यों धारण किए, बोले ये सर्प नहीं, ये आनंद देव है, स्वयं लक्ष्मण लाल आनंद देव। बोले ये आनंद देव कौन है, बोले ये शंकर जी के गुरु है, शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं। अगर अलंकार धारण करना तो किस चीज के पहनो, बोले गुरु जी की उपदेश को अलंकार धारण करो, तुम्हारी बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, भागवत में बताया वैष्णवानाम यथा संभव, बोले वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव श्री शंकर जी। इसलिए वो हर समय अपने आप को वो छुपाने के लिए चाहते, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन उन्होंने छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके, बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में, बता सकते हो शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है, अपने आप उन्होंने छुपा नहीं सके, इतने एक पवित्र वस्तु बता सकते हैं कौन है, बोलो कौन बोलेगा, सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में, बोलो कौन बोलेगा, हाथ उठा, अरे बोलो इधर उधर क्यों देख रहे हैं। हाँ, कहते उनकी जटा में गंगा है, इनकी जटा में गंगा जी, इनकी जटा में, इसलिए उन्होंने कोशिश की छुपाने के लिए, लेकिन छुपा नहीं पाए, क्यों, गंगा भगवान की सबसे पवित्र वस्तु ये गंगा है। बोले श्री गंगा मैया की, बोले श्री गंगा देवी की, इसलिए शंकर जी जब अपना सुंदर रूप में शंकर जी श्रृंगार करके जब शंकर जी आए, इतने में कुछ दिन पहले तो पुतना आ गई थी, नंद बाबा को जब पता चला पुतना आ गई थी, उनने बड़ी कड़ी पहरादार लगा दी, बोले देखो एरे गेरे व्यक्ति को घुसने मर दिया कर, ये पुतना तो बड़ी सच रच करके आई थी, निकली ये पुतना राक्षस, खबरदार जिसको जिसको अंदर में घुसने मत दिया करना, जब तक मैया जसोदा नंद बाबा का आदेश नहीं होना, गेट में पहरादार बैठा दिया। इतने में शंकर जी आए, और जो वहां पर पहरादार था देख करके तो वो गोपी डर गई। शंकर जी बोले मैंने सुना है नंद के घर में एक लाला भयो है, बोले भैया लाला भयो तो तेरे का भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो, हम बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदरी लग रही थी, अब तो देखने में वैसी लग रही हो, तेरे को देखकर मेरा जी घबरा रहा है, हमारा लाला अभी छोटो सो, बड़े जल्दी उसको में नजर लग जाती है। बोले बाबा लाला की दर्शन नहीं होएगा, और कोई सोना चाहते लेना चाहते लो और अपना रास्ता देखो। उन्होंने तो मैया को जाकर के बोल दी, मैया देखने के लिए आई, मैया भी देखकर डर गई है। बोले बाबा जो कुछ भिक्षा लेना लेकर के जाओ, तो अपना रास्ता देख, कुछ दिन पहले ये पुतना आ करके लाला को उठा करके ले गया था, उन्होंने लेकर के कृष्ण को तो एकदम कोने में छुपा दी, और शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए। बोले जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा, तब तक यहाँ से हटने वाला नहीं।
इतने में शंकर जी ध्यान करने लगे, बोले हे प्रभु, आपका सारे अवतार को तो हमने देखा, लेकिन आपका ये बाल गोपाल रूप मैंने दर्शन नहीं किया। एक झलक दर्शन दिला दी, भगवान बड़े भक्त वत्सल है। इतने में कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिया। अभी मैया जितने थप थप लगाए, लाला उतना जोर से रोए, पूरा परिवार तंग हो गए। बोले क्या हो गया लाला का रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक गोपी ने बोले मैया जो बाबा है ना वो बैठा हुआ हुई, आंख बंद करके त्रिशूल गाड़ करके, वो आंख बंद किया लगता है मन मन में कुछ तेरे लाला को जादू कर रहा है। वो कहता है लाला के दर्शन कराए बगैर जाएगा नहीं, जा लाला को दर्शन करा के ले आओ। फिर मैया बड़े कष्ट से उनको में काला कपड़े से ओढ़ दी, मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी जैसे कोई नजर नहीं लग जाए। बड़े कष्ट से ला करके केवल एक झलक उन्होंने दर्शन दिलाया, और दर्शन करते ही शंकर तो खिलखिला करके शंकर जी रोने लग गए, और कन्या तो खिलखिला करके हंसने लग गए। मैया बोलिए बाबा कुछ जानता है क्यों? अभी तक तो लाला रो रहा था, और इसको दर्शन करते ही इसने लाला का रोना ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया, मतलब ये कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले जाए ना ये कुछ जानता है, कुछ हाथ देखना जानता है, क्या होता है? माताएं गिर जाती, बोले बाबा हमारा थोड़ा हाथ देख लो, हमारा क्या भविष्य है? इतने बोले बाबा तू कोई जादू टोना जानता है ना क्या? बोले हाँ। बोले हमारे लाला गोबर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले एक अगर काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बाबा बता दे। बोले जब तुम अपना लाला को स्नान कराओगे, वो स्नान का जो पानी वो चरणा मृत है उसको ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे ना कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तेरे लाला को भोजन करवाओगे, वो भोजन का जो बच जाएगा प्रसाद है उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले बाबा कर दो, कर लूंगा। हम लोग कोई नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए? हाथ उठा। अब देखना जब ऊपर जाओगे वहां पर जो शंकर नंदीश्वर महादेव है, देखना एक ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से अंदर के पाइप आई। जब भगवान कृष्ण को स्नान कराया जाता है वो चरणामृत आकर के सीधा शंकर जी की सर पर गिरता है। इसलिए शंकर जी गंगा धारण की, गंगा कौन है? वो ठाकुर जी की चरणामृत है। आप देखना जो कांवर होता है ना जो कंधे पर गंगा पानी डालते, गंगा क्यों? वो वामन देव का चरणामृत। शंकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर कोई गंगा पानी दे ठाकुर जी को भर में। जब भगवान कोई चीज ग्रहण करते हैं उसका नाम होता है प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब किसी भक्तों को सेवा में लग जाए वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद हो जाता है, उसका और ज्यादा महत्व तो बढ़ जाती है। इसलिए सिद्धार्थ भगवान की प्रसाद श्री शंकर जी को पास में आता है। शंकर जी पाने का बाद फिर ये प्रसाद सबको, फिर वो प्रसाद मिलता है। देखो इसमें नियम है, जब कोई भोग आप लगाओ खाना, पहले कृष्ण को भोग लगाओ, नहीं तो राम को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद माता देवी हो, शंकर जी हो, गणेश हो, हनुमान हो, फिर ये प्रसाद फिर सबको देनी चाहिए। डायरेक्ट कोई भी चीज गणेश जी, शंकर जी, हनुमान को नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सभा मन की लड्डू लिए और सीधा हनुमान जी को पास में चले गए और तो मुंह में भी ठोस दिया, खाओ। क्या हनुमान जी भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खा ले? वो क्या भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खाएंगे? नहीं, हनुमान जी कब खाएंगे? जब तक प्रभु राम को भोग नहीं लगे, जब तक माँ जानकी नहीं खाती है, सभा मन की करोड़ों मन की लड्डू रख लो, हनुमान जी उस तरफ में झांक करके भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर प्रभु राम और उसे जानकी के भोग लग जाए, हनुमान जी लपक करे खा लेंगे, लपक करे खा लेंगे, उनको देने का भी जरूरत नहीं। इसलिए जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? चरण में बैठे हुए ना, चरण में। क्यों? हनुमान जी एक निष्ठा राम की भक्त है। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, शंकर भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं ग्रहण करते हैं। जब तक भगवान को भोग नहीं लगे कृष्ण को, शंकर देवी ही माँ देवी का एक नाम वैष्णवी। वैष्णवी मतलब क्या है? जो भगवान विष्णु का आराधना करती है। इसलिए कोई भी चीज
जब तक श्री बांके बिहारी को भोग नहीं लगी और किसी को चीज नहीं देनी चाहिए, उनको भोग लगा करके फिर सब देवताओं को खिलाओ, वो बड़े खुश होकर खाएंगी और बड़े आपका आशीर्वाद देंगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कृष्ण बलराम को बना रहे हैं, कोई कृष्ण बलराम को भी बना रहे हैं ना? ठीक ठीक। हरे कृष्ण। देखो हम लोग आज एक माला जप करेंगे, एक दिन तो एक माला जप किए थे, आज और एक माला जप करेंगे। ठीक है, आपको हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसको बाद में फिर एक माला जप करेंगे। ठीक है, आप ध्यान लगा कर सुनाओ, एक अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी सुना कर कल आपसे मैं फिर पूछूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। एक मन से सुना, क्योंकि जो 7 दिन तक हम जो कथा सुनेंगे, समझो ये जो स्टोरी है ना, ये कथा की जो सार है ये स्टोरी है, इसलिए सब ध्यान देकर सुना। एक मन से कथा को सुना और कल मेरे को आप लोग बोलना स्टोरी पर। ठीक है, मैं जो बोल देगा ना मेरे को, उसका मैं बढ़िया इनाम दूंगा। ऐसे सुनना जैसे मेरे को आप बोल पाओ। ठीक, एक मन से, इधर उधर कोई मत जाया करो, एक जगह में बैठो और स्टोरी को सुनो। बोले कोई एक राजा था, तो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? कितने? 4। जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, वो चारों में सबसे देखने में सुंदर थी, इसलिए राजा जब ये नगर घूमने जाता था, वो रानी को बड़ा सुंदर श्रृंगार करके रथ में बैठा देता था और दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो रानी बड़ी बात को बना बना करके, मीठा मीठा बात बनाकर बोलती थी, इसलिए राजा जब अपना महल में आता था, वो तीसरी नंबर रानी के पास में बैठ करके उसको मीठा मीठा बोली सुनता था और मन की बात और किसी को नहीं, केवल वो तीसरी नंबर रानी को केवल मन की बात बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी अच्छी प्यारी, लेकिन जब से उसको उसने घर में शादी करके लाए ना, तब से उसको साथ में उसने कोई मतलब नहीं रखा। कभी उससे पूछा नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं,